हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस वर्ष आयोजित होने वाले पीएससी और व्यापम एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो पहले ही आप इन सभी एक्सप्लेनेशन को समझते चले, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। पारिसिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? ऑप्शन आर टिड्डा, घास, सांप और मवेशी या कैटल। तो इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपको दो बातें समझ में आ रही होगी। एक पहले यहाँ पे डीडीटी दिया हुआ है जो क्या है, एक प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है। दूसरा इसका सांद्रण कंसेंट्रेशन पूछा हुआ है और किसमें पूछा है, किसी एक जीव में पूछा है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका संबंध किससे है, फूड चेन या आहार श्रृंखला से है, खाद्य श्रृंखला से है। तो खाद्य श्रृंखला में कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे उत्पादक होता है, उत्पादक को हम क्या कहते हैं, T1 कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उपभोक्ता होता है। और ये उपभोक्ता कौन सा प्रकार का, प्राइमरी उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर हम कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा, जब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है थर्ड जो आएगा, तृतीयक उपभोक्ता होगा, या फिर कह सकते हैं हम इसे शीर्ष उपभोक्ता भी कह सकते हैं, जो लास्ट में सबसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉप कंज्यूमर कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ पे हम मिस्टेक करके आते हैं कि हम जब फूड चेन को जब हम पिरामिड के तौर पे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो सबसे नीचे में क्या होता है, उत्पादक, ये T1 होगा। उसके ऊपर में T2 होगा, T2 को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, T3 को द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। और जो टॉप में है उसे T4 कह सकते हैं या शीर्ष उपभोक्ता कह सकते हैं। और हमको ये भी पता है ये T1 क्या होता है, ऊर्जा का प्रवेश द्वार होते हैं, एनर्जी गेटवे ऑफ इकोसिस्टम होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब हम इस ऊर्जा के संदर्भ में देखते हैं, तो ऊर्जा यहाँ पे मान लो 100% जा रही है, तो प्रत्येक पोषण स्तर में, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही आगे जलती है। तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का फिर 10% कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 का 10% कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहा है और ये श्रिंक हो रहा है इस प्रकार। तो यहाँ पे इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन ये ऊर्जा के संदर्भ में है। बट यहाँ हमारा क्वेश्चन इससे है ही नहीं बिल्कुल, और हम यहाँ पे रिलेट कर देते हैं तो मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा इसका संबंध है, एक प्रमुख कंसेप्ट है जिसे कहते हैं जैविक आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, UPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। ध्यान देंगे, ये जैविक आवर्धन आपको कभी भी पूछ सकता है। तो जब यहाँ पे किसी भी प्रदूषक को जब लेंगे इस प्रकार के फूड चेन में, तो फूड चेन में जब प्रदूषक लेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है DDT जो जैव अनिम्नीकरणीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जब भी किसी भी फूड चेन में ये शामिल होगा, एंट्री लेगा, जैसे यहाँ पे मान लो T1 में एंट्री लिया, तो फिर T2, T3, T4 इस प्रकार जैसे ही आगे आगे बढ़ते चलेंगे फूड चेन में, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते चलेंगे, तो इसमें इनका कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज होते चलता है, ठीक है। यानी कि वो बढ़ता हुआ रहेगा, जैसे ऊर्जा में क्या होती है, कम हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं जैविक आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन में, तो प्रत्येक पोषण स्तर में इसका जो है स्तर, किसका, इस प्रदूषक का स्तर जो है बढ़ते हुए चलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, टिड्डा, घास, सांप, मवेशी वगैरह। तो मान लो जैसे हम यहाँ पे सबसे, यहाँ पे प्रोड्यूसर कैसे पहचानेंगे, मैंने कहा था कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, सभी हरे पौधे क्या है, उत्पादक है। तो यहाँ से तो एंट्री लेगा कौन, DDT, क्योंकि DDT क्या है, कीटनाशक है, छिड़काव करते हैं, चाहे वो घास हो, पौधा हो, वहाँ पे पड़ेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे एंट्री लेगा, तो यहाँ पे तो सबसे कम होगा इस गिवन एग्जाम्पल में, गिवन ऑप्शन में। इसके बाद घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को सांप खा सकता है।
तो यहाँ पे हमको एक बात समझ में आ रही है, हमको इसमें कौन प्रोड्यूसर है, कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है, हमें ये पहचानना आना चाहिए। और हमने इसे कवर कर भी रखा है, जिन स्टूडेंट ने इसे नहीं देखा है आप इन्वायरमेंट के वो लेक्चर में जाके उसे वॉच कर सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। तो यहाँ पे आपको ये पता है ये क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। इसके बाद टिड्डा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, है क्योंकि घास जो जितने भी हर्बी बोर्स होते हैं, जितने भी हर्बी बोर्स शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए स्नेक, टिड्डा को हो सकता है फ्रॉग खाए, फ्रॉग को फिर क्या है स्नेक खाए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये क्या है, या तो सेकेंडरी है या तो टर्शियरी हो सकता है। तो जैसे टिड्डा को मान लो कोई फ्रॉग खाया, फ्रॉग को कोई स्नेक खाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉग जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और वैसे ही यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है कैटल या मवेशी, मवेशी मोस्ट जितने होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, सब होते हैं हर्बी बोर्स, यानी कि वो शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो अब आपको जहां पे समझना है कि जो सबसे ट्रॉफिक लेवल में बाद में आएगा, तो वहां पे प्रदूषण का स्तर, प्रदूषक यानी दिस पॉल्यूटेंट का स्तर जो है ज्यादा होगा क्योंकि बायो मैग्निफाई होगा, जैविक आवर्धित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीडीटी का सबसे ज्यादा पोषण स्तर किसमें होगा, तो आप देखिए जो सबसे बाद में आता है जिसमें, तो यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर सबसे बाद में आ रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी आ रहा है, या फिर सबसे लास्ट में है, टॉप में आ रहा है। तो इस प्रकार याद रखेंगे कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बायो मैग्निफाई होगा। तो प्रदूषण के केस में याद रखेंगे ये सांद्रण बढ़ता हुआ चलता है, और इसमें तो दिक्कत और भी है क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये, तो और सैकड़ों सालों तक यहाँ पे स्टेबल रहेगा, ध्यान देंगे। तो ये बातें सभी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। तो क्वेश्चन नंबर टू में देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी पद के माप की इकाई है द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है, फुटप्रिंट है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कार्बन फुटप्रिंट, तो इसी से संबंधित है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कार्बन फुटप्रिंट, ये आप ध्यान देंगे ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। कार्बन फुटप्रिंट कुछ नहीं है, इसी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक छोटा सा भाग है। क्या होता है देखिए, इस इकोसिस्टम में हमने पहले पढ़ रखा है कि बायोटिक और एबायोटिक दो प्रकार के घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, और यहाँ पे रहने वाला, इस पृथ्वी पे रहने वाला कोई भी जीव है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, वो सब के सब किस पर डिपेंड होते हैं, वो डिपेंड होते हैं इसी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे पारिस्थितिकी पद चाप का मतलब, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि इस कहना चाहिए इकोसिस्टम में रहने वाला कोई भी जीव इन जैविक घटकों पर चूंकि निर्भर होता है, डिपेंड होता है, तो डिपेंड होने पर क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, कुछ रिलीज करता है। वो रिलीज किस फॉर्म में करेगा, जैसे कि आप कह सकते हैं आपने कार्बन का उत्सर्जन किया, कार्बन एमिशन किया, तो कार्बन एमिशन करेगा तो कार्बन फुटप्रिंट कह देते हैं। आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप व्हीकल का उपयोग करते हैं, तो पानी क्या है, एक क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, अजैविक घटक है। भोजन क्या है, अगर ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं तो जैविक घटक को आप खा रहे हैं। वैसे ही आप किसी न किसी बातों पर, किसी न किसी घटक पर डिपेंड हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने के बाद आप इन्वायरमेंट को चीजें रिलीज कर रहे हैं। वो रिलीज कुछ भी हो सकता है, वो प्रदूषण के फॉर्म में हो सकता है, या वो यहां पे जैसे कार्बन के फॉर्म में है। तो अल्टीमेटली आप कार्बन का एमिशन कर रहे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट, और ओवरऑल इन्वायरमेंट के घटकों का उपयोग करते हुए जो चीज भी इन्वायरमेंट पे डिपेंड है या निर्भर है या उस पर रिलीज कर रहे हैं, वो क्या हो गया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया। तो यहां पे इसकी यूनिट पूछा है, इसकी इकाई पूछा है। क्या ये बातें कंसेप्ट समझ में आएगा आप लोगों को, ये देखो मैं एग्जांपल दे देता हूं। आप खाना खाए, पानी पिए, व्हीकल में गए, आप
जहां पे रहे किसी घर में, या फिर आप कहीं पे कोई कपड़ा खरीदे या कुछ भी कर दे, अल्टीमेटली आप इन्वायरमेंट पर डिपेंड है। यदि आप कार्बन का एमिशन ज्यादा कर दी, जैसे आपने मान लो एक साल में 3 जीन्स खरीदा, 3 टी-शर्ट खरीदा, तो आप और 3 जोड़ी आपने शूज खरीदा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट एक साल में होनी चाहिए एक एक जोड़ी सभी, तो आप जितना चाहिए उतना तो कर रहे हैं यूज, लेकिन एक्स्ट्रा जो है आप बाय कर रहे हैं, मतलब वो जो प्रोडक्ट आपने बाय किया या यूज कर रहे हैं वो दुनिया के किसी न किसी कोने में बनी होगी, किसी न किसी जगह पे उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री को एनर्जी रिक्वायर्ड की लगी होगी, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमको एनवायरनमेंट से मिलती है। हो सकता है आपने कोयला से लिया होगा, यानी थर्मल एनर्जी यूज़ की होंगी, हो सकता है आप हाइड्रो एनर्जी यूज़ की होंगी, हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की होंगी, अल्टीमेटली एनर्जी जो है कंज्यूम की गई होगी और उसके लिए एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाई गई होगी। और आप जब यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनके डिमांड को बढ़ा दे रहे हैं, आपकी आप डिमांड बढ़ा दे रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो गया मतलब कार्बन एमिशन ज़्यादा हो गया, तो कम वस्तु का प्रयोग तो कम कार्बन फुटप्रिंट, ज़्यादा वस्तु का प्रयोग तो ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और बात कि आपको हमेशा इस बात का उल्लेख करना है, अगर आपको कहीं लिखने का मौका मिला ऐसे राइटिंग या कहीं पे भी, तो याद रखेंगे इन्वायरमेंट के प्रति अगर आपकी जिम्मेदारी है, तो आप याद रखें कि आप एक सेंटेंस जरूर लिखेंगे हमेशा कोट करके, इन्वर्टेड कॉमा में कोट करके, कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्बन फुटप्रिंट कम से कम जो है यूज करना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम से कम क्या है प्रयोग करना चाहिए या रिलीज करना चाहिए हम कह सकते हैं, ताकि हम एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा फ्रेंड बन सके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सके। तो वो बहुत कार्बन फुटप्रिंट वेरी इफेक्टिव वर्ड है, सिमिलरली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी बहुत इफेक्टिव वर्ड है। तो इसकी यूनिट पूछी गई है भूमंडली हेक्टेयर नैनोमीटर क्यूबिक फुट क्यूबिक टन, तो यहां पर ध्यान देंगे कि इसका जो यूनिट है ग्लोबल हेक्टेयर है, ठीक है, भूमंडलीय हेक्टेयर है इसका पारिस्थितिकी पदचाप की, ठीक है, पदचाप इसलिए कह दिया जाता है कि पांव के शेप का आकार होता है, जैसे आपका पांव होता है ना, तो जैसे ये एक अंगूठा हो गया, 5 जो उसके बाद 4 उंगलियां हो गई, उसके बाद यहाँ पे सिमिलर लाइक दिस है ना, यहाँ पे इस प्रकार बनाया जाता है, तो इसमें जो 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 भी संसाधन आप यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे इसमें प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, इसलिए फुटप्रिंट वर्ड यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक घटक हो गया, ये एक घटक हो गया, ये एक घटक, अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती हैं, तो ज्यादा आप इलाबरेट इसे और नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोटाइप, इकेड, इकोस्फियर, इकोटोन, ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है, याद रखिए एक इकोसिस्टम ए है, एक इकोसिस्टम क्या है बी है, और दोनों के बीच में जब यहाँ पे देखते हैं आप, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जैसे मान लो ए जल पारिस्थितिक तंत्र है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और ये मान लो कोई वन का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे देखते हैं कि ये भी है और ये भी है, मतलब ए का भाग भी है बी का भाग भी है, मतलब ये दोनों जगह यहाँ पे, ये इसको हमने सी कह दिया। तो यहां पे देखते क्या है, इसे हम कहते हैं संक्रमिका या इकोटोन, इकोटोन कहते हैं। इस संक्रमिका की खास बात होती है कि यहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, बायोडायवर्सिटी मतलब एनिमल प्लस प्लांट के नंबर्स ज्यादा हो सकते हैं, जैसे मान लो ए में मान लो 50 प्रकार के एनिमल प्लांट है, बी में मान लो 100 प्रकार के एनिमल और प्लांट है, तो सी में इसकी संभावना ज्यादा होगी कि ये दोनों का जो कि मिश्रण है, एक संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशन एरिया है, इसलिए यहां पे हो सकता है कि 200 टाइप के स्पीशीज मिले, क्योंकि इधर वाले भी आ गए, इधर वाले भी आ गए, हो सकता है एक नए टाइप का एनवायरनमेंट मिल गया इनको, इकोसिस्टम मिल गया, तो इसमें एक नए प्रकार के भी, जिसमें जो है नंबर ऑफ एनिमल प्लांट की संख्या बढ़ गई, तो हो सकता है इसमें 200 प्रकार की स्पीशीज मिले। तो ये संक्रांति क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, याद रखेंगे ये इकोटोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान नहीं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, तो कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, देखो ब्लीचिंग वर्ड आ रहा है तो
कोरल रीफ जो होता है बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल होता है, और वो होता है उसमें दो प्रकार की चीजें होती है, इसमें भी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। कोरल एक जीव होता है और जूजेंथेली एक वहां पे एक एल्गी या सेवाल होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में एक भोजन देता है, दूसरा उसको आवाज देता है, तो वो दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, उसके कारण जो है वो आपस में बहुत ही कलरफुल ब्यूटीफुल दिखते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कुछ ऐसी कहना चाहिए पर्यावरण में कुछ ऐसी बदलाव आ जाती है जिसके कारण जो है वहां पे उनका कलर डिसअपियर हो जाता है। कलर डिसअपियर इसलिए होता है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, सागरी प्रदूषण से, सागर में लवणों की वृद्धि में सॉल्टी मतलब सैलिनिटी उसकी इंक्रीज होती है, ग्लोबल वार्मिंग से, या प्रवाल रोगों का फैलने से। देखिए अगर यहां पे कहा जाए कि इनमें जो कोरल ब्लीचिंग होती है, कलर का डिसअपियर होना, वास्तव में इसके थर्मल इफेक्ट से ज्यादा प्रभावित होता है, तो यहां पे इसका ऑप्शन जो है सी, दिस इज द राइट आंसर, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस सागर की जो है उष्णता यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने के कारण जो है कोरल प्लस जूजेंथेली जो आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन बना के वहां पे एक कलरफुल कोरल का जो है वहां फॉर्मेशन कर रहे थे, तो वहां पे होता ये कि वो उनमें क्या है अनफेवरेबल कंडीशंस आने लगती है, प्रतिकूल परिस्थिति आने लगती है, और वो आपस में डिटैच होना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कोरल ब्लीचिंग होती है, कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है कितने सालों से, है ना, 15 वर्ष से 25 वर्ष से 40 वर्ष से 50 वर्ष से। याद रखेंगे विलुप्त होना पूरी तरह से, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो जाना, तो विलुप्त होने का मतलब पिछले 50 वर्षों से कोई जीव जो है मान लो नहीं मिल रहा है, तो उसे विलुप्त कह दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे चीता जो है एशिया से, या चीता को हम विलुप्त प्रजाति मानते हैं। हमारे यहाँ जैसे जो मिलता है वो तेंदुआ है, तेंदुआ और चीता में दोनों में अंतर होता है, याद रखेंगे। तो विलुप्त की विलुप्त वाली श्रेणी में याद रखा जाता है कि 50 वर्षों से, कौन सा चीता की बात करें हम, एशियाटिक चीता, ठीक है, एशियन चीता जो है विलुप्त हो चुका है, जो पिछले 50 वर्षों से नहीं देखा गया है, याद रखेंगे। तो इस वर्ड्स इस क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब यहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, किस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा गया है? बीपी पाल है, बीपी पाल, प्रोफेसर यशपाल, एमएस स्वामीनाथन, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे कि ऑप्शन जैसे यहां पे गिवन है, तो बीपी पाल तो है, ये एक्चुअल में ये भी एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ही रहे, और उसके बाद प्रोफेसर यशपाल आपको पता है कि ये कहना चाहिए स्पेस सेक्टर के साइंटिस्ट हैं, एमएस स्वामीनाथन ये भी क्या है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और प्रोफेसर रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इनको कहा जाता है। यहाँ पे पूछा है इकोनॉमिक इकोलॉजी, तो इकोलॉजी का जो है मॉडर्न इकोलॉजी इंडियन इकोलॉजी पूछा जाए तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक इकोलॉजी तो ये है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इसका सही उत्तर है। इनको पता है एक और नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक भारत के संदर्भ में। यदि ग्लोबल संदर्भ में पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है फादर ऑफ क्या कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के पिता। तो यहाँ पे इसका उत्तर याद रखें, ये भी है इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी इनको कहा जाता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। हाल ही में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने MOEFCC कहते हैं ने किसे पर्यावरण संवेदी क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आर मानस राष्ट्रीय उद्यान, दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। याद रखें वर्ष 2021 में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हुआ है जिसमें कि दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य जो असम से है ऐसे क्या है इको सेंसिटिव जीव पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन के रूप में नया अधिसूचना में इनको शामिल किया है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम इस वर्ष 2021 में और इंपॉर्टेंट रहा है। देखिए
अभी नंबर ऑफ अगर आपको नेशनल पार्क पूछा जाए तो 106 है, तो इसमें असम के दो नेशनल पार्क रिसेंटली एडेड है, एक है देहिंगपटकाई और दूसरा रायमोना, इसलिए ये न्यूज में रहा है। दूसरा न्यूज में ये रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क बन चुका है जो उपग्रह फोन यानी सैटेलाइट फोन का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे काजीरंगा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी आसाम से है, तो आसाम से समझ रहे हैं कि दीपोरबिल भी न्यूज में है, काजीरंगा में भी है, नए नेशनल पार्क भी रिसेंटली ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ये बात क्लियर हो गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दीपोरबिल है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, तो फास्ट चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाल ही में हिम तेंदुआ यानी कि आप स्नो लेपर्ड की बात कर रहे हैं और ब्लैक नेट क्रेन किस राज्य के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के रूप में दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप इसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि आप यहाँ पे हिम तेंदुआ पूछा है तो स्नो लेपर्ड पूछा है, तो जहाँ पे स्नो होता है तो कहाँ कहाँ पे स्नो होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, हिमाचल में, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, लेकिन लद्दाख में भी, तो यहाँ पे आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, जो नए स्टेट बने हैं, जम्मू कश्मीर नया स्टेट बना है और लद्दाख भी नया यूटी यूनियन टेरिटरी बना है, आपको पता है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर तो बहुत पहले से बन चुका था, हालांकि वो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ अलग मैटर है। अब यहाँ पे बात ये हो रही कि लद्दाख इसमें क्या है, पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया है ब्लैक नेक क्रेन और हिम तेंदुआ को, जिसमें एक क्या है, एक नेशनल राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट एनिमल है और दूसरा क्या है, स्टेट बर्ड है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, तो इसका उत्तर क्या है, डी लद्दाख हो गया। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अनुसार ब्राह्मणी नदी बेसिन से ताजे पानी के नियोजित पथांतरण के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान में गंभीर खतरा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो जनरली क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो ऐसे न्यूज या ऐसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो उस वर्ष में न्यूज में रहता है, दूसरा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जैक्टली ये जो है क्वेश्चन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, सिमलीपाल, भीतरकनिका, इंद्रावती और बांधवगढ़। तो इंद्रावती में तो ये जो है ब्राह्मणी रिवर का इसके साथ कोई संबंध है नहीं, तो इस पर एलिमिनेट कर सकते हैं, बांधवगढ़ से भी आप कर सकते हैं, एलिमिनेट्स का कोई संबंध नहीं है। तो आप देखते हैं सिमलीपाल और भीतरकनिका, तो भीतरकनिका याद रखेंगे, भीतरकनिका एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ओडिशा का, और जैसे कि आपको पता है लाइक जैसे सुंदरबन है, सुंदरबन में क्या है, मैंग्रोव पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जा रहे हैं, वैसे ही भीतरकनिका में भी मैंग्रोव पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पथांतरण के कारण भीतरकनिका के में जो है गंभीर स्थिति निर्मित हो गई है, याद रखेंगे ये उसका उत्तर है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, जैसे कि साइबेरियन जो पक्षियां होती हैं, जब ठंड का सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, तो क्या होता है कि वहां पे बहुत ही एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाती है, टेम्परेचर -50 -60 चला जाता है, या और लाइक बहुत ही कहना चाहिए अनफेवरेबल कंडीशन बन जाती है, जिसमें वहां पे रहने वाले जीव सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो इस विंटर सीजन में माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, भरतपुर लेक में आ जाएंगे राजस्थान के, या फिर चिल्का लेक उड़ीसा के में आ जाएंगे, ये भीतरकनिका आ जाएंगे। इवन अब तो ये ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जो है अभी जो पक्षी जो है को संरक्षण के लिए जो बर्ड फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, यहाँ पे भी वो माइग्रेट करके आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, आपको पता होगा बेमेतरा एरिया में। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि ये जो भीतरकनिका में या चिल्का लेक में जो उड़ीसा में है, यहाँ पे बर्ड्स इस प्रकार माइग्रेट करके आते थे, पूरे विंटर सीजन में रहते थे, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई, क्योंकि यहाँ का विंटर बहुत कम विंटर कहलाता है, कम टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो विंटर में चले आए। कब से, कौन से मंथ में, जनरली क्या होते हैं, अगस्त पार होने के बाद सेप्टेम्बर मंथ से आ गए, तो सेप्टेम्बर मंथ से आने के बाद ये सीधा सीधा पूरे समर सीजन तक यहाँ रहते थे, यानी कि अप्रैल में ये चले जाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे अब ये चले जाते हैं फरवरी में ही। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे भी अब जो है थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर यहाँ पे जो परिस्थितियाँ जो होती हैं हो रही हैं वो थोड़ा सा इनके लिए अनुकूल नहीं हो रही है। तो टेम्परेचर अपने आप में एक अलग मैटर है, जिसके कारण यहाँ पे देख रहे हैं कि समय से पहले ही वो अपने घर वापस चले जा रहे हैं। दूसरा
कि ब्राह्मणी नदी के पानी का जो है वहां पे डायवर्सन इस प्रकार हो गया है कि यहां पे इस पर खतरा उत्पन्न हो गया है। ये बातें क्लियर हो गई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनएपी ने वैश्विक स्तर पर किस तत्व की पेट्रोल में उपयोग की समाप्ति की घोषणा की है? पारा, लीसीसा, एल्कोहल और आर्सेनिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीएससी में 3 से 4 साल पहले के पीएससी में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, पेट्रोल में कौन सा एलिमेंट मिलाया जाता है? तो उसका ऑप्शन था वहां पे सीसा। तो आपको पेट्रोल पंप में जनरली देखना कि लीडेड पेट्रोल, अनलीडेड पेट्रोल आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे लीडेड है मतलब वहां पे लेड मिला हुआ है पेट्रोल में, तो ये जो होता है जो मिला हुआ है ये बहुत कहना चाहिए खतरनाक है, मतलब ये जब एमिशन होता है तो ये क्या है, खतरनाक एलिमेंट के तौर पे वायुमंडल में वो शामिल हो जाता है और हमारी सांस के द्वारा बॉडी में चला जाता है। तो चूंकि पहले मिलाया जाता था क्योंकि उसके कॉजेस या इसके कहना चाहिए उसके दुष्परिणाम को शायद जानकारी नहीं रही होगी, या फिर कह सकते उस लेवल पे जानकारी नहीं रही होगी, तो ये पेट्रोल में इसे मिला दिया जाता था। लेकिन अब WHO ने और यूनाइटेड नेशन ने, नॉट WHO, यूनाइटेड नेशन ने ये क्या किया है कि इस सीसा में जो है इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। अब जो है ये लेड नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है, ये 2021 की घोषणा है। तो यहाँ पे याद रखें, ये भी पीएससी में पूछा जा चुका था। अब जो पूछा जाता है जनरली, अब जो पूछा जाता है पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, पेट्रोल में अब क्या चीज मिलाया जा सकता है, पेट्रोल में एल्कोहल मिलाया जा सकता है। कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल, ठीक है। और जब पेट्रोल और एल्कोहल जो मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, पावर पेट्रोल का निर्माण होता है। और जनरली हमको इस बात को ध्यान रखना है कि अभी हमारे भारत के संदर्भ में देखा जाए पेट्रोल में 25% तक हम एथेनॉल मिला सकते हैं, और आप जो रेगुलर जो बाइक या स्कूटी वगैरह यूज़ करते हैं या कार वगैरह यूज़ करते हैं, ये इतना तक के लिए ये अभी हमारे लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन मिली हुई है, और आपके जो है गाड़ी या कार का या बाइक का स्कूटी का इंजन में भी इसमें क्या है किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। फ्यूचर में ऐसा होगा कि अल्कोहल के परसेंटेज और बढ़ते चलेंगे, हो सकता है ऐसा हो 50% पेट्रोल 50% एथेनॉल, और ये मिल के जो है फाइनली पावर पेट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग पेट्रोल का निर्माण करेगा। इसलिए देखना, पावर पेट्रोल थोड़ा कॉस्टली बिकता है, 1-2 रुपया, याद रखेंगे इसे, ठीक। तो अब इसमें ऑप्शन क्या है यहाँ पे दिया हुआ, तो मैंने आंसर बता ही दिया, लेड जो है सीसा का जो है इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। अब याद रखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ प्रारंभ हुआ है? क्रिप्टोगैमिक वर्ड आप समझते हैं, क्रिप्टोगैमिक वर्ड का मतलब ये होता है लाइकेन, लाइकेन जो क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई, कवक प्लस सेवाल का सिम्बायोटिक रिलेशन वाला प्लांट होता है, और ये वायु प्रदूषण का सूचक भी है, आपको पता होगा। लाइकेन और एक और प्लांट होता है फर्न, और एक प्लांट होता है कवक या फंजाई, ठीक है, कवक। तो लाइकेन प्लस फर्न प्लस कवक, ये सभी को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है, क्रिप्टोगैमिक गार्डन कह दिया जाता है। तो ये कहाँ भारत का पहला कहाँ बना है, चंडीगढ़, भोपाल, देहरादून या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है देहरादून का एक प्लेस है चक्राता। तो यहाँ पे चक्राता, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में इसे पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे बताने का पर्पस ये है कि क्रिप्टोगैमिक का मतलब क्या है, और ये जो है गार्डन पहला बना है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 का संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम सम्मेलन UNCCD कहाँ आयोजित होगा? देखो, आपको पता होगा, आपने अक्सर पढ़ते होंगे कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, है ना, ओजोन सम्मेलन, ऐसे बहुत सारे सम्मेलन आप पढ़ते होंगे। तो वैसे ही एक सम्मेलन है जिसमें कि हम कहते हैं उसे UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध जो है एक सम्मेलन, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन से हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट से हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट, रियो डी जेनेरो सर और ब्राजील, यहाँ पे हुआ था। तो उससे यहाँ पे क्या है, वहाँ से क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 से स्टार्ट हुआ था। तो अभी वर्ष 2022 में क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ
पार्टी का 15th मीटिंग कहां आयोजित होगा, जैसे 14th नंबर का हुआ था नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में क्या है 14th नंबर का हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है भारत ने ही किया था, नई दिल्ली में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है इसमें उनका स्पीच भी आया था, ठीक है। और यहां पे ऐसे देखिए ऑप्शन क्या है, ग्लासगो, यूएई, नई दिल्ली और अबिजान। कोटे डी आइवर, कोटे डी आइवर क्या है, इसे आइवरी कोस, आइवरी कोस जानते हैं पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, तो उसे कोटे डी आइवर आजकल कह दिया जाता है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 का जो है यूएनसीसीडी सम्मेलन इसी अबिजान यानी कोटे डी आइवर आइवरी कोस में आयोजित होने वाला है। तो याद रखें प्लेस का नाम, सिटी का नाम अबिजान, कंट्री का नाम आइवरी कोस्ट या कोटे डी आइवर आप कह सकते हैं, ठीक। बाकी यहां पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 14th नंबर का ये न्यू दिल्ली है, ग्लासगो आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हाल में यहां पे हुआ था, ठीक, COP26 का, यूएई फ्यूचर में होने वाला यहां पे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो ये उसका उत्तर आप सभी को क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इंडिमिमस जयंती का संबंध छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं से है, इसका संबंध क्या है, किससे, चिड़िया से, झिंगूर से, तेंदुआ से, चींटी से। तो याद रख लेना एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, है ना, या गुफा खोजकर्ता कहना चाहिए, उनका नाम है जयंत विश्वास। तो जयंत विश्वास जी के नाम पे ये नाम पड़ा है, कौन सा नाम, जयंती इंडिमिमस। ये बेसिकली क्या है, छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में क्या है, एक प्रजाति पाई जाती है क्रिकेट की, झिंगूर की, ठीक है, झिंगूर की एक प्रजाति पाई जाती है, तो इसका नामकरण इंडिमिमस जयंती दिया गया है, जयंत विश्वास जो एक गुफा खोज करता है उनको समर्पित करते हुए, और कहां पे, छत्तीसगढ़ की गुर्रा गुफाओं में पाया जाता है क्रिकेट यानी झिंगूर, ठीक है। अजीब सा आवाज आता है आपको, आवाज जब इस प्रकार जगह जाएंगे गुफाओं वगैरह में तो वो झिंगूर की आवाज जनरली रहती है। उसके बाद देखिए वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 दिया है, अभी हम 2022 में है, बट ये रिपोर्ट क्यों पढ़ी जा रही है, क्योंकि याद रखें कि 2020 का रिपोर्ट जो है मार्च के समय में 2021 में पब्लिश किया गया, और 2021 का रिपोर्ट अभी आगामी मार्च या कहना चाहिए फरवरी के बाद इसे रिलीज किया जाएगा, तो हमारे लिए डेटा तो 2020 का इंपॉर्टेंट हो गया। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, शहर पूछा है, याद रखें। तो जब भी भारत का सबसे प्रदूषित शहर अगर देखा जाए भारत का, तो भारत का क्या क्या है, देखिए दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर, तो यहाँ पे इसका उत्तर है गाजियाबाद, जो विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। पहला है चाइना का होटन शहर, होटन ये फर्स्ट रैंक है, ये करेंट अफेयर्स में से पढ़े होंगे, ठीक है, तो खैर ये रिपीट भी हो गया आपके लिए। तो गाजियाबाद है सबसे ज़्यादा प्रदूषित, राजधानी पूछा जाए तो न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या है, गाजियाबाद। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखिए, तो यहाँ पे देखिए कि जिनेवा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, समुद्री कानून से, सतत विकास से, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक से, जहरीली गैसों, रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध संधि से, किससे संबंध है। तो याद रख लेना कि समुद्री कानून या मैरीटाइम लॉ जो है ये भी यूनाइटेड नेशन का बना हुआ है, बट वो जिनेवा प्रोटोकॉल नहीं है, तो याद रखना ये नहीं है। सतत विकास से संबंधित आपको पता है जो एजेंडा 21 हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये इसका ये भी नहीं है, तो बी भी नहीं है। इसके बाद देखिए लुप्त प्राय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक से, आपने एक वर्ड सुना होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, CETES, CETES सुने आप, CETES क्या है, एक सम्मेलन है जो 1973 में हुआ था, जो जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनको कहना चाहिए इनके इंटरनेशनल ट्रेड पर रोक के लिए क्या है, ये CETES सम्मेलन हुआ था। CETES का फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जो जंतु वनस्पति जो क्या है इंडेंजर्ड स्पीसीज है इनके इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक के लिए जो संधि बनी थी इसे हम कहते हैं CETES कहते हैं, जो 1973 में हुआ था, है ना। IUCN का संबंध इसी से है ना, IUCN CETES इसलिए लिखा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो ये स्पीसीज को क्या करता है, अपने रेड डेटा बुक में पब्लिश करता है, ठीक है, रेड डेटा बुक में पब्लिश करता है। तो ये बातें याद रखेंगे। अब यहाँ पे इसका उत्तर क्या बच गया, डी। तो जितने भी जो है हैजार्डस गैस है या पॉइजनस गैस है, रासायनिक और जैविक हथियार है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन है, इन पर प्रतिबंध के लिए कौन सी संधि है, जिनेवा संधि या जिनेवा प्रोटोकॉल है। वो वर्ष 1925 में ये संधि या प्रोटोकॉल बना था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनेवा प्रोटोकॉल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये इस प्रकार देख रहे हैं कि सीजीपीएससी व्यापम ओरिएंटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह आज आपने कवर किया। तो इस प्रकार इस सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझा होगा आई थिंक। किसी प्रकार का डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपकी एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।